Hello guys, what's up? Well, it's a Sunday morning, which usually be a cheat day for me. I usually sleep a little till quite late on this day, but it's just 7:45 in the morning and I'm already all ready because today my nanny wants to go on a road trip. And those who don't know, I'm just crazy to drive. कहाँ जा रहे हैं ये आप सबके लिए सरप्राइज है. सो वी आर ऑल सेट. So guys, Nani has joined us. She's my nani and आपको बता दूँ मैं, she is also very good in driving. और 60 years की एज में इन्होंने ड्राइविंग सीखी है. अचीवमेंट है अपने आप में. While heading towards Jaisalmer from Bikaner, there is another one, Gaushala. जो basically यहाँ पे जो गायें होती हैं उनकी सेवा की जाती है. स्पेशली अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त अपंग गायें होती हैं उनकी सेवा की जाती है. साथ साथ में उनके मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क की भी सेल की जाती है यहाँ पे, जिसका पैसा वहीं पे उन्हीं की सेवा में काम लिया जाता है. चलिए अंदर देखते हैं हाउ इट इज. देखिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है गायों के लिए. ये वो गायें जो बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में है. दिस इज द मेडिकल रूम. ये सेक्शन अंधी गायों के लिए है जो देख नहीं पाती हैं. फ्रेंड्स, ये सेक्शन है जहाँ पे कैंसर से पीड़ित गायें हैं उनको रखा गया है. बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है. यहाँ पे जिन गायों का एक पैर नहीं है, तीन पैर है, उनको रखा गया है. जिनका एक्सीडेंट में एक पैर चला गया है. यहाँ पे उन गायों को रखा गया है जिनकी कमर टूटी हुई है, जो खड़े नहीं रह पाती हैं. बहुत ही बड़ी गौशाला है. देखिए सामने की तरफ भी
बहुत ही बड़ा सेक्शन रखा हुआ है गायों का। दोस्तों एक अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉज है, कहते हैं गायों की सेवा करनी चाहिए, गायों से बड़ा कोई देवता नहीं होता। जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो आपको फील गुड फैक्टर आता है गायों की सेवा करने, वो कहीं और नहीं आ सकता। बहुत ही अच्छा कॉज है, हर इंसान को अपने लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे गायों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गाइस, दिस इज द प्लेस वेयर यू नो दिस गौशाला से जो भी मिल्क और उससे प्रोडक्ट बनते हैं वो यहाँ की सेल की जाती है, दूध दही घी पनीर, और हाँ स्पेशली यहाँ की कुल्फी, कुल्फी बहुत फेमस है यहाँ की। जो भी बीकानेर से जैसलमेर जा रहा है वो डेफिनेटली ज़रूर ज़रूर यहाँ पे कुल्फी खा के जाए, बहुत फेमस है। सुमी माई बाइब्स मनानी अलॉन्ग विद ऑल फैमिली We are back on track. Started our journey back. Roads are quite beautiful. Quite smooth. It actually makes our journey so comfortable. Views are also good. I missed a place to introduce to all of you. I'm sure that while running, I'll give the brief of that place to you also. And yes, I told you in the morning that destination is a surprise for you all. Well, there is a hint that in one of our previous video I have give a glimpse of this place. You can scroll through all the videos and find out what the destination is. Here we go. जैसलमेर की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे डेजर्ट एरिया पड़ता है, गर्मी भी बढ़ती जाती है और डेजर्ट में आंधियाँ भी खूब चलती है। तो बहुत सारे लोगों ने एनर्जी डेवलपमेंट के लिए यहाँ सोलर प्लांट्स लगा रखे हैं और बहुत सारे लोगों ने टर्बाइंस लगा रखी है विंड एनर्जी के। वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ भी है, हम लोगों ने होल्ड किया है, टर्बाइंस दिखाता हूँ आपको। देखिए रोड से वैसे तो काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो ये टर्बाइंस लगी हुई है, बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी डेवलप करने का। So here we are at our destination. रामदेव बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं हम लोग। इसका ग्लिम्स दिया था मैंने आपको कुछ टाइम पहले, जब रामदेव बाबा का मेला लगा था उसके रास्ते में हम लोग आए थे, आज हम उनके दर्शन करने आए। चलते हैं अंदर। Have a look. चलो, आगे आगे चलो। दशमी होने की वजह से बहुत भीड़ हो रही है आज।
चलो दोस्तों, ये बाबा रामदेव के वंशजों की कचहरी है और तभी से चल रही है जब से बाबा रामदेव थे। आज भी यहाँ के लोग इस कचहरी का जो फैसला होता है बहुत मानते हैं उसको, और अब तक यही कचहरी यहाँ के आसपास के गांवों के फैसले करती है। दोस्तों, बाबा रामदेव का नीला घोड़ा था जो उन्हें बहुत प्रिय था, इसीलिए यहाँ बाबा के घोड़े चढ़ते हैं। ये बाबा के वंशज हैं। तो आज भी यहाँ पे बाबा का घोड़ा चढ़ता है। दोस्तों, बताते हैं कि रामदेव बाबा ने अपने जीवन काल में उसके बाद भी बहुत लोगों को परिचय दिया है जिनकी पुरानी से पुरानी बीमारियां ठीक हुई है, जिनको बीमारियां ठीक हुई है, जिनको और भी जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक की है। बहुत सारी कहानियां बताने लगूं तो उसका कोई अंत नहीं है। यहीं पास में एक बावड़ी भी है, बताते हैं कि वहाँ पे जो भी स्नान कर लेता है उसका पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है, उसको भी वहाँ परिचय मिल जाता है। ये मंदिर के पास का मार्केट बना हुआ है, प्रसाद की दुकानें हैं, लॉकेट्स, मूर्तियाँ जो मंदिरों के आसपास होती है वही सब कुछ, कुछ खिलौने बच्चों के, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ध्वजा चढ़ती है बाबा के, जगह जगह ध्वजाएँ उठी हुई हैं। ये है वो बावड़ी जिसके थ्रू बाबा रामदेव अपने श्रद्धालुओं को परिचय देते हैं। बहुत नीचे जाके पानी है जिसमें नहाने से पुराना रोग खत्म हो जाता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुरानी जगह है ये। देखिए, वहाँ पे एक जो छोटा सा स्पेस बना हुआ है ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे, वहाँ से लोग कूदा करते थे पहले सीधा नीचे इस लॉबी में। सो गाइस, वी आर लीविंग बैक टू आवर प्लेस, हेडिंग बैक टू बीकानेर। होप यू एंजॉय द जर्नी। आई डू रिमेंबर दैट मुझे एक प्लेस जो मैंने मिस कर दिया है वो आपको अभी और दिखाना है, विल श्योरली टेक यू ऑल देयर। सो गाइस, दिस इज द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज श्री कोलायत जी। वेल, देर आर
इनफैक्ट टू इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो एक्चुअली सैंड माइंस है. कोलायत से पूरे इंडिया में सैंड की सप्लाई होती है, माइन सैंड की, वॉश सैंड की, डबल वॉश सैंड की, सिल्ट फ्री सैंड की, क्वार्ट्ज की यहाँ से सप्लाई होती है. सेकेंड इम्पोर्टेंस ये है, जैसे ही हम कोलायत जी के अंदर जाएंगे गांव के अंदर, वहां पे एक तालाब, एक सरोवर है, कपिल सरोवर बोलते हैं उसे, कपिल मुनि की तपोभूमि है ये. ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई आदमी, कोई इंसान हिंदुस्तान के सारे तीर्थ यात्रा करके आता है तो उसे अंतिम पड़ाव यहाँ रखना होता है, यहाँ के कपिल सरोवर के अंदर स्नान करना होता है, तभी उसका तीर्थ का फल उसको पूरा मिलता है. इसीलिए इस प्लेस की इम्पोर्टेंस है. अभी एक्चुअली शाम हो गया, अंधेरा हो गया है और टाइम भी काफी हो गया है, इसलिए मैं गांव के अंदर तो नहीं जा पाऊंगा. नेक्स्ट टाइम फिर कभी आऊंगा तो आपके गांव के अंदर का भी पूरा डिटेल वहां चलेंगे, सरोवर भी दिखाऊंगा, मंदिर भी दिखाऊंगा. अभी के लिए यही, हम लोग अब बीकानेर की तरफ बढ़ रहे हैं, घर की तरफ. गाइस वी आर बैक होम एंड आई एम बैक इन माय रूम. आवर ट्रिप वाज सो अमेजिंग एंड वी एंजॉयड अ लॉट. आई होप यू ऑल आल्सो एंजॉयड अ लॉट. प्लीज लाइक द वीडियो, comment about your experience, share the video with your friends, subscribe the channel if you are new, press the bell icon to get further updates. Miles with memories logging off for the day. See you soon.